एक ताजमहल बड़ा फेमस है साहब, एक आगरा का पेठा, एक आगरा का जूता और एक आगरा का पागलखाना। आप चिंता बिल्कुल मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूं ऐसा मैं मानता हूं। इस बात पर ताली बजनी थी, मैं तालियां बजाना। देखिए कवि सम्मेलन प्रारंभ हो रहा है, ये बहुत बड़े कवि, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, इन बड़े कवियों के राह में पुष्प बिछा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तालियों की आवश्यकता कैसी है भाई साहब बता के गए। एक एक टिप्पणी करता हूं, उन बड़े कवियों के सम्मान में, इन बड़े कवियों के लिए वास्तव में क्या होता है, ये जितने भी कवि बैठे हैं ये सब चंद्रमाओं के सदृश होते हैं। और ये आप जानते हैं दाऊ जी के लोगों के चंद्रमाओं में स्वयं का प्रकाश नहीं होता। आप जो दर्शक दीर्घा में बैठे, जो श्रोतागण बैठे हैं, वे मार्तंड स्वरूप हैं, सूर्य हैं। और जब आपकी किरणें इन चंद्रमाओं पर पड़ती हैं, कौन सी किरणें? तालियां रूपी, दाद रूपी, आशीर्वाद। बहुत अच्छा भाई, वाह वाह अलेश, क्या बात है, बहुत अच्छा। जब इन चंद्रमाओं पर पड़ती हैं तभी अपनी कविताओं से इस पूरे संसार को सुशोभित कर देते हैं। एक बार अपने लिए तालियां बजाओ। तो आगरा का ताजमहल, आगरा का पेठा, आगरा का जूता और आगरा का पागलखाना। मुझे अक्सर उठा दिया जाता है कि साहब आगरा के हैं, आधे पागल हैं, पूरे पागल हैं, लेकिन वास्तविकता ये है। एक और टिप्पणी करता हूँ, आप बड़े लोगों के सम्मान में, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी अगर शर्ट तक खरीदनी होती है तो भी आप भी आगरा जाते हैं। एक एक टिप्पणी करता हूँ, पागलखाना इस अकलमंदों की दुनिया में, जो अकलमंद है ना, जो ये कहते हैं अकलमंदों की दुनिया में, उनके मानसिक विक्षिप्त हुए माँ बाप भाई बहन रिश्तेदारों को जो ठुकरा दिया जाता है ना, उन्हें हम आगरा वाले बाहें फैलाकर अपने घर में पनाह देते हैं, उनका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, उनकी उनको ठीक कर देते हैं और उन्हें उन्हीं अकलमंदों की दुनिया में रहने के लायक बना देते हैं। अगर इसके लिए हम पागल हैं तो हमें गर्व है अपने पागलपन पर। इन्हीं बिगड़े दिमागों में कहीं खुशियों के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं भाई। वाह वाह वाह। और हम तो वैसे भी कृष्ण भक्ति में, माँ राधा की भक्ति में पागल हैं, हम ब्रज वाले लोग तो बजाओ एक बार तालियां। रूप में श्रृंगार, कार्य काज राखी धार, कान कोयल सी बोल गई सांवरी शिवालिका। आय हाय हाय। अच्छा अपनी वाली सांवली थी, आपकी गोरी हो तो गोरी गोरी लगा लेना दाऊ जी वालों। हाँ, रूप में श्रृंगार, कार काज राखी धार, कान कोयल सी बोल गई सांवरी सी बालिका। बड़े बड़े दानी महाज्ञानी ब्रह्मचारियों की पोल खोल खोल गई सांवरी सी बालिका। आंखों में नशा तो सुर्ख होठों के रसा को आई, श्वास श्वास घोल गई सांवरी सी बालिका। प्रेम के दो मीठे बोल 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 के वो जेब को टटोल गई। बाबा बहुत अच्छा, अच्छा है। तालियां कमजोर है आपकी, बजाओ एक बार, बहुत अच्छे, तालियां बजाते रहो, ये हमारे लिए पेट्रोल का काम करेंगे, सच बता रहे हैं वो भाई साहब। आगरा बड़ा मशहूर है सर, आप लोग जाते हैं, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो गई आप सीधा रामबाग पहुंचते हैं आगरा इलाज कराने। और मैं बताता हूँ, आगरा डॉक्टरों की मंडी है। एक बार सर मेरे भी पेट में दर्द हो गया तो मैं पहुंचा अपने बगल वाले डॉक्टर पे, मम्मी ने पहले ही कह दिया था बेटा पथरी है, हम काढ़ा बना देंगे निकल जाएगी। हमने कहा नहीं, हम पढ़े लिखे लोग हैं तो हम सीधा डॉक्टर साहब के पास पहुंचे। डॉक्टर साहब ने हमें देखा, चेक किया, उसने कहा कि सबसे पहले जाओ एक्सरे करा के लाओ। हम गए एक्सरे करा के लाए, डॉक्टर साहब ने देखा यार मज़ा नहीं आ रहा है, अल्ट्रासाउंड करा के लाओ। हम फिर गए अल्ट्रासाउंड करा के लाए, बोले अब भी मज़ा नहीं आ रहा, सीटी स्कैन करा के लाओ। हम फिर गए सीटी स्कैन करा के लाए, तब डॉक्टर साहब बोले कि हाँ यार इसमें मज़ा आया, अब पता चला तुम्हारे पथरी है। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये तो हमारी कक्षा 5 मम्मी ने बता दिया था। मैंने कहा ठीक है अब क्या होगा, कि बोला ऑपरेशन होगा। हमने कर दीजिए, हमें लिटाया गया, ऑपरेशन, उन्होंने पेट काटा, पथरी निकाली, पेट सिल दिया, भेज दिया, हम ठीक हो गए। 2 दिन बाद हमारे फिर पेट में दर्द हुआ, हम फिर डॉक्टर साहब के पास पहुंचे, उनके अब क्या दिक्कत है, हमने फिर पेट में दर्द हो रहा है। वही प्रक्रिया फिर चलाई गई, बाद में पता चला यार गड़बड़ हो गई। हमने क्या हुआ कि यार इसमें तो कैंची रह गई। बाबा दर्द सुना रहा हूँ भाई साहब आम जनता, सही बात है। हमने अब क्या होगा, फिर काटना पड़ेगा। हमें फिर ले गए, फिर काटा, कैंची निकाली, फिर सिल दिया, फिर भेज दिया। हमारे 2 दिन बाद फिर दर्द हुआ, हम फिर आए, प्रक्रिया वही चली, पेट खोला गया। क्या है कि अब की बार कॉटन रह गई। मैंने कहा डॉक्टर साहब अब की बार रुक जाओ, मैं ऑपरेशन थिएटर से निकल के गया, सच बता रहा हूँ, और जाके संजय पैलेस से जाके एक चैन लेके आया। बोला डॉक्टर साहब ये टांके मत लगाओ, अब की बार ये चैन लगा दो, कोई चीज़ रह जाए तो खोल लो निकाल लो, बंद कर दो खोल लो निकाल लो बंद कर दो। ताली बजाओ। बहुत अच्छा भाई, वाह वाह, आ जाओ, आओ भाई साहब, बहुत बढ़िया। काली शर्ट वाले ने काली शर्ट वाले को माला पहनाई है ना, ये भाईचारा बना रहना चाहिए।
नहीं, अजीब सिलसिले होते हैं यहाँ पे। वो भाई साहब, आप विदिशा से आए, हमारे उत्तर प्रदेश में एक अलग व्यवस्था है पुलिस वालों की। अच्छा, उनको भी कैसे भूल जाए, उनका नाम नहीं लिया तो बुरा मान जाते हैं। हमें जाना भी है, सच बता रहे हैं, हमारे दाऊ जी की पुलिस तो बहुत बड़ी है। मैं तो आगरा की पुलिस के विषय में बात कर रहा हूँ। एक बार क्या हुआ, एक व्यवस्था की गई कि साहब एक टेस्ट होगा, देखते कहाँ की पुलिस कितनी बढ़िया है। तीन देशों की पुलिस बुलाई गई, आनंद लेना भाई साहब, तीन देशों की पुलिस बुलाई गई, अमेरिका की, चीन की और भारत की। एक कंपटीशन हुआ कि कुत्ते को जंगल में छोड़ा जाएगा, जो पुलिस सबसे पहले पकड़ के ले आएगी वो उसको खिताब मिलेगा सबसे बेहतरीन पुलिस का। ठीक है, अमेरिका वाली पुलिस गई साहब 4 घंटे में पकड़ लाई, चीन वाली पुलिस गई साहब 2 घंटे में ले आई। अब हमारे दरोगा जी गए अपनी जीप में 4 कांस्टेबल के साथ, 3 दिन हो गए वापस नहीं लौटे। क्या बात है। अब दोनों देशों की पुलिस उनको ढूंढने गई, 2 दिन बाद मिले, गधे को पीपल के पेड़ से उल्टा लटका के पीट रहे थे। सबने कहा भाई ये क्या कर रहे हो, बोला ये हमारा स्टाइल है। बोले कैसा स्टाइल है, हमारा ऐसा स्टाइल है कि हम गधे को तब तक पीटेंगे जब तक ये कबूल नहीं कर लेता कि यही कुत्ता है। वाह, क्या बजाओ इस बात पे तालियां। वाह 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 वाह, समय कम। हाँ, आज से हिंदू नववर्ष का प्रारंभ भी हो रहा है। आइए, हमने हर रण में क्षण क्षण में दुश्मन के पांव उखाड़े हैं, सर्पों की रीढ़ें तोड़ी हैं, सिंहों के जबड़े फाड़े हैं। कौन है हम? वो पाश्चात्य सभ्यता वाले लोग ये कह के भूल गए, उन्होंने परमाणु बम बना लिए तो बैठला गए। उनको नहीं मालूम कि जब उनके पुरखे जंगलों में नंगे घुमा करते थे तब हमने ब्रह्मास्त्र बना लिए थे। क्या बात। और ऐसे वैसे नहीं, धनुष पर रख के प्रत्यंचा तान दी तो 7 सागर खोल जाते थे। उनके वंशज हैं हम, एक बार अपने लिए तालियां बजाओ, गर्व करो। हमने हर रण में क्षण क्षण में दुश्मन के पांव उखाड़े हैं, सर्पों की रीढ़ें तोड़ी हैं, सिंहों के जबड़े फाड़े हैं। हम डरे नहीं प्रतिकारों से, ना दुश्मन की ललकारों से, बचपन से अब तक खेल रहे बरछे भाले तलवारों से। जन गण मन अधिनायक जय हे, नित वंदे मातरम गाया है, इस सर पर पगड़ी बांधी है, माथे पर तिलक लगाया है। तो पृथ्वी पर निहित धरातल में हम मुख्य केंद्र के बिंदु हैं, दो राम विश्व में गूंज रहे, हम वही कोठारी बंधु हैं। दुश्मन के लिए हलाहल हैं, मित्रों के अविरल सिंधु हैं। अंतिम पंक्ति आपके लिए, दुश्मन के लिए हलाहल है, मित्रों के अविरल सिंधु हैं। छाती चौड़ी कर भ्रकुट तान, सब कहो गर्व से हिंदू। बोलिए एक बार जय जय श्री राम। अंतिम पंक्तियां देता हूं, तालियों के साथ विदा करिए ना बड़े कवियों के सम्मान। सुनिए, पीढ़ियों से पगड़ियों के मान जिंदाबाद, वक्ष पे वो खून के निशान जिंदाबाद, हिंद महासागर की तान जिंदाबाद, उत्तुंग हिमालय की शान जिंदाबाद, तो लाल किले वाला स्वाभिमान जिंदाबाद, लाल किले वाला स्वाभिमान जिंदाबाद, कुल मिला के पूरा हिंदुस्तान। होली हाथ भाई दोनों, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, पीढ़ियों से पगड़ियों के मान जिंदाबाद, वक्ष पे खून के निशान जिंदाबाद, हिंद महासागर की तान जिंदाबाद, उत्तुंग हिमालय की शान जिंदाबाद, तो लाल किले वाला स्वाभिमान जिंदाबाद, लाल किले वाला स्वाभिमान जिंदाबाद, कुल मिला के पूरा हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जय हिंद। होली का मौसम अभी बीता नहीं है, और उस होली, क्योंकि हमारे ब्रज में तो फागुन के बाद भी होली रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे इस होली पर मैं बतलाऊं सब वेदों का सार, इस होली पर मैं बतलाऊं सब वेदों का सार, कवि सम्मेलन सुने बिना होगा ही नहीं उद्धार, जोगीरा सारा रा 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 जोगीरा। सुनिए एक बहुत बड़ी घटना,
कि सुबह सुबह पत्नी से लड़कर चला गया सुख चैन, सुबह सुबह पत्नी से लड़कर चला गया सुख चैन, घरवाली रसिया सी तन गई हम हो गए यूक्रेन, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। अरे बुरा न मानो होली है होली का है हुड़दंग, बुरा न मानो होली है होली का है हुड़दंग, कवियों पर भी चढ़ी हुई है राजनीति की भंग, काट रहे जम के आज बवाल, बजाओ तालियां, कोरोना कर गया कंगाल, बजाओ तालियां। एक प्रश्न देता हूं आपको पहचानना, स्वागत, किसके विषय में बात कर रहा हूं, मैं नाम नहीं लूंगा। माघ मारते फिरे भरी संसद में ढूंढे कोना, बढ़िया ताली नहीं आई इस बात, सोचने में लग गए कौन है। आंख मारते फिरे भरी संसद में ढूंढे कोना, इधर से आलू डालें भैया उधर निकालें सोना, इनकी हाँ इनकी इटली में ननिहाल, बजाओ तालियां, ओ इनके जीजा माला माल, बजाओ तालियां। एक और पढ़ता हूं, आनंद लेना। कहें केजरी सब झूठे हैं हम सच्चों के बाप, कहें केजरी सब झूठे हैं हम सच्चों के बाप, हो गए गिरफ्तार मंत्री जी आपने छोड़ी छाप, किसी भी आई वाली बाड़ मां बजाओ तालियां, होली कट है अब त्योहार मां बजाओ तालियां, कोरोना कर गया कंगाल। बहुत बहुत धन्यवाद।